हेलो बाबू, हाँ बाबू बोलो। कहाँ बिजी हो इतनी देर से आप? कुछ देख रहा था यूट्यूब पे बाबू। क्या देख रहा था मेरा बच्चा? ये बताओ वहां पे चाटा जाता है क्या? कहाँ पे चाटना है जाके तुम? जो मतलब मेरा पार्ट टूटता है वहां पे हमने देखा कि लोग मतलब टंग से अपनी यार एक बात सुनो पहले मेरी, आजकल तुम देख क्या क्या रही हो ये सब कभी? दिमाग में भरा है किसने है बाबू? तुम्हें तो फिर मुझे अरे एक्साइटमेंट भारा होती है कि यार, कैसे होता है कि क्या क्या। तुमने डायरेक्टली कॉल ना हाल पूछा, ना खाना खाया, ना पिया, सीधे मतलब बाप चाट अरे अचाट पापा लगी नहीं? अभी पूछा तो था तुम कह रहे खाना खाने जा रहा हो तो मुझे पता खाना खा लिया होगा। यार तुम बहुत बिगड़ रही, तुम बहुत बिगड़ रही हो। बाबू बताओ ना अच्छा तुम्हें सही से पूछो, मैं समझ नहीं पाया क्या कहना चाहते हो, कहाँ चाटा जाता है, डिटेल में बताओ। हाँ अगले दिन मेरा नीचे वाला पार्ट होता है अच्छा, हाँ, वहां पे लड़के चाटते हैं क्या? तो क्या सेक्स करते हैं उन्हें सुना है? तुम चटवाओगी तो बोलो, मैं चाट के देखूं। चाटते रहे मुझे एक्साइटेड करने के लिए शायद करते होंगे। लगता है सेक्स होने से पहले तो मैं ज्यादा एक्साइटेड हो जाऊंगी। तो बताओ ना फिंगरिंग रीड करते हैं ना? अरे यार तुमने मतलब पॉर्न मूवी नहीं देखी क्या? नहीं इतना गंदा लगता है उसमें तो नहीं देखते इसमें हम। गंदा क्या है, मतलब ऐसा ना किया जाता है तुम और देख बाबू तुम देख लो तो तुम मेरे साथ कर लेना। अच्छा मतलब तुम्हें डेमो भी चाहिए, हाँ मतलब चटवाओगे? बताओ ना कैसा होता हूँ। यार कुछ नहीं, सिंपल होता, नॉर्मल होता, कोई अजीब थोड़ी होता है। अब देखो सेक्स कर रहे हैं तो इसमें प्रॉब्लम वाली बात क्या है, मतलब वो एक्साइटमेंट के लिए किया जाता है ताकि और ज्यादा मतलब अच्छा फील हो, टाइम ज्यादा बढ़ जाए, ये सब होता है और कुछ नहीं। अच्छा कि मतलब हम कहे खुद आओ मेरे पर चढ़ जाओ। तुम तो यार मेरा खड़ा करवा देती हो फालतू। बाबू अरे बाबू यार तुमने खड़ा करवा दिया यार, ऐसी ऐसी बातें पूछती हो तो मैं क्या करूं? और फिर मैं बोलता हूँ चलो बाबू यार करते हैं सेक्स, तुम बोलते हो नहीं मम्मी है पापा है, ये क्या बताते हो? पहले बताओ तो क्या जैसे जैसे सुनो बताऊं? हाँ सुनो तो बोलो मतलब कि बोलो बोलो। जैसे जैसे लड़कियां मतलब मुंह में लेती हैं तो ऐसे लड़के भी करते हैं। अब यार ऑब्वियसली बात है कि जब हम जेब से चाटेंगे तो मुंह में ही आ जाएगा, ठीक है? तो कर इसमें लोगे बाबू? तुम तो यार पक्का फोन सेक्स ही करवा के दोगे वो बताओ ना तुम्हें अजीब नहीं लगेगा? यार, अजीब क्या है मतलब? देखो ऐसे तो फिर तो तुम ये कहोगे कि मैंने तुमको बिना कपड़ों के लिए, ये भी अजीब है। अजीब क्या होता है, देखो यार मुझे अंडरस्टैंडिंग होती है और सेक्स के टाइम पे सब चलता है यार, कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। अरे किया है, एक्साइटमेंट के लिए करना पड़ता है। और क्या करोगे? फिंगरिंग भी तो करते हैं यार। वो नहीं किया कभी यार तुम्हें मतलब इतना वो क्या गया एकदम, मतलब किन के संगत में हो आजकल, कौन सी फ्रेंड है तुम्हारी ये सब तुम्हें सिखाती है? कोई सिखाती नहीं है बाबू। सुना नहीं है कि लोग गाजर डाल लेते हैं, बैंगन डाल लेते हैं, क्या अब क्या ये तो डाल यार लेते हैं? देखो मैं तो लड़की हूँ नहीं, लड़की हो तुम, रियल में तुमने डाली है क्या गाजर मूली? नहीं तो तो डालना जिनको चाहती, तो बाबू जिनको चस्का लगा रहता है वो डालते होंगे ना, हमें थोड़ी चस्का लगा। तुम्हें किसका चस्का लगा मेरा? बाबू एक उंगली आती है कि दो कि तीन कितनी उंगली जाती यार तुम टेंशन मत लो बाबू, कल मैं आऊंगा ठीक है, कल तुम्हारे अंदर उंगली डालकर और गाजर मूली डाल के चेक करता होगी? हूँ कितनी अंदर जा रही कितनी बाहर जा रही है। यार देखो नॉर्मल है ये, कोई ऐसा नहीं है कि हवा नहीं है जो मतलब किया जा रहा है तो बहुत ही अजीब होगा। देखो नॉर्मली सेक्स के टाइम पे करना पड़ता है, इससे क्या होता है एक्साइटमेंट बढ़ जाती है और कुछ बात नहीं है, ठीक है? तो बाबू तुम भी करोगे? यार कर लेंगे तो उसमें प्रॉब्लम नहीं करवाओ क्या? अब करोगे तो तो करवाएंगे फिर हम करेंगे, तुम टेंशन क्यों ले रही हो? तुम तैयार तो हो पहले, ही यार। ऐसा बोलने में रोए खड़े हो गए यार। तुम तो यार बहुत ही ज्यादा मतलब एक्साइटेड हो जाती हो। अच्छा चलो ये सब छोड़ो, अब जरा काम की बात पूछो, खाना वाना खाया या नहीं खाया तुमने? पूरा खाना डाटा यही सर्च कर करके उड़ा देती हो, पूरा डाटा यही सर्च कर करके उड़ा देती हो, कौन साइट विजिट कर करके। तो बाबू ये सब अब सर्च करेंगे फिर प्रैक्टिकल करेंगे तो पूछे तो अब वो देखा जाएगा किस पोजीशन में हाँ वाह, पोजीशन ही बची थी, यही पोजीशन ऊपर। यार दुनिया की तुम पहली गर्लफ्रेंड होगी जिसके मतलब गर्लफ्रेंड इतनी सारी चीजें सर्च करती है, मतलब
ये देखो जीभ से चाट होगी, नहीं चाट होगी, मेरे को पोजीशन चाहिए, मेरे को चॉकलेट कॉन्डम चाहिए, मेरे को वो पसंद है, ये कौन किसकी गर्लफ्रेंड डिमांड होती है बताओ। तो बीवी की डिमांड होती है, मेरी डिमांड है, मुझे सही है बट चाहिए ये सब चीजें, तो तुम्हें बताएंगे तभी तो तुम अच्छे से करोगे ना। ये भी सही है, बट चाहो हम जरूर करेंगे, तुम जब चाहो तब करेंगे। वो बाबू वो फिंगरिंग करके देखना ना कैसा लगता अरे यार झेलना तुम्हें, हमें क्या, हम कर लेंगे, हमें क्या प्रॉब्लम है, है। तुम्हें कैसे बाबू पता चलेगा कि कहाँ पे हॉल है, तो क्यों मेरी आंखें नहीं है क्या? अरे वहां पे क्या आंखें गड़ा के देखोगे क्या? तो देख लेंगे, तुम्हारी तो अंदर देखना है, किसी और का थोड़ी देखना है। यार जल्दी शादी हो जाए, मेरे को स्वागत मनानी होगी। हमें भी तभी तो कह रहे हैं चलो पहले पहले बच्चा कर लेते हैं फिर शादी करेंगे। सच में पागल है यार, बाबू ना हाँ बच्चे पहले कर लो ना, घर वाले कहेंगे बच्चे किसका है, फिर क्या बोली? तब तो शादी हो जाएगी ना, बता ओहो देंगे अच्छा ये क्या मतलब, पहले बच्चा कर लो, बच्चा कर लेंगे उसके बाद मम्मी पापा मान जाएंगे, शादी करानी है तो करानी पड़ेगी, नहीं तो फिर बदनामी हो जाएगी ना दोनों लोगों की। सही है बच्चा कर लेते हैं, कब करोगे, कितने बच्चे चाहिए बताओ? मुझे तो एक ही चाहिए, इसी तुम्हें से तो तो एक दर्जन चाहिए होंगे। नहीं, 4 हजार नहीं, कम से कम 2-3 तो होने चाहिए, 3 तो चलते हैं। और 3 नहीं चाहिए, हाँ तो 3, वो करने का मतलब अलग है, ये करने का मतलब अलग है ना। ये भी चाहिए, तुम्हें तो चाहिए सेट, समझिए बच्चे। अरे कितने टाइम करेंगे, सुबह दोपहर शाम रात? शादी तो होने तो पहले, अभी तो वैसे भी एक ही बार करने को मिलता है, फिर शादी हो जाएगी उस दिन तो पूरी रात ही लगे नहीं। हाँ पूरी रात मतलब बस कह रहे हो, कौन पूरी रात? अरे तुम टेंशन मत लो, तुम ऐसे कपड़ा नहीं पहनते थे पूरे साथ। ऐसे ही घुसे रहेंगे 3 दिन तक का ब्लैंकेट में, 3 दिन तक को ब्लैंकेट में घुसे रहेंगे। हाँ, बिल्कुल क्यों नहीं, ब्लैंकेट में घुसे रहेंगे। वाह क्या मजा आएगी, ये तो मजा आ रही है सोच हाँ और हम सोच तुम्हारे के। अंदर घुसे रहेंगे, क्यों और क्या तुम कहीं जाने थोड़ी देंगे? जॉब पे नहीं आऊंगा, हाँ? जॉब नहीं करेंगे क्या? तो 3 4 दिन नहीं, तुम्हें सेक्स का ये हवा चला कैसे है ये बताओ, देख देख के अब इतने बड़े हो गए, अब चढ़ेगा नहीं तो कहाँ जाएगा। तो मतलब मैंने हमेशा ये बाबू देखा तुम है, हमेशा इतने स्मार्ट हो, तुमको देख के ही मन कर जाता है। ये लगता है मेरे को, मतलब ज्यादातर मैंने सुना है कि बॉयफ्रेंड डिमांड करते हैं सेक्स की, यहाँ पर उल्टा, मतलब मेरी गर्लफ्रेंड की डिमांड करती है मेरे को ये पोजीशन करनी है, फिर तुम्हारा वो बाबू पोजीशन इतना करनी है। स्मार्ट है, देख के मेरा दिल पिघल जाता है। जल्दी आओ बस, चिपका लो अपने पास और दिल दूर नहीं मत पिघल जाता है, जाओ। तुम्हारे नीचे से कुछ पिघल जाता है। नहीं और बाबू बोलो, चलो ना शादी कर लेते हैं। शादी है कोई मजाक तो नहीं, शादी है खरीद लेगा कैसे, शॉपिंग करके लाते चले ना, अभी चले शॉपिंग करके लाते हैं, हमें शादी घर पर बतानी पड़ेगी, पहले तुम बताओ फिर मैं बताता हूँ। ऐसे फिर डर है ना, ऐसे फिर अंदर से अच्छे से करने का मन नहीं करता। अब शादी हो जाएगी फिर तो अच्छे से कर ही सकते, फिर तो क्या अरे दिक्कत तभी तो बोल रहा हूँ, घर पर बताओगी तब तो शादी होगी, कि ऐसी इन चलो ना करते हैं, शादी है कि सब्जी खरीदने जा रहे हैं। है। तो कैसे बताएंगे, ये मुझे डर लगता है। अरे यार तुम तो मतलब फालतू में डरती हो ज्यादा, कोई बात मुझे नहीं, करना है, मुझे डरना नहीं अब तो है। कितना करेगी भैया, सप्ते में 2 बार तो करती करती है मेरे साथ में, और कितना चाहिए, तो इंसानों की खूब जल्लाद हो, कितना सेक्स चाहिए तुम्हें। सारा तो ये अभी अभी तो साथ में नहीं है ना, साथ में तब बोलना कि कितना सारा चाहिए तब करना। ठीक है चल, अभी क्या कर रही थी वैसे, हो गया तुम्हें डाउट क्लियर? हमें ये पूछना था कि मेरा बेबी करेगा कि नहीं करेगा, बेबी 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 से क्या मतलब? मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, हाथ चाटना। यार बाबू मैं चाटूंगा, तुम टेंशन मत लो, ठीक है, मैं मुझे तुम्हारा, एक्सपीरियंस करना। अरे मैं तुम्हारा सारे एक्सपीरियंस दिला दूंगा, टेंशन मत लो तुम, ठीक है, खुश हो, मैं तुम्हारा चाट, बाबू लव हाँ यू, लव यू टू बच्चा, चलो फिर जाओ ठीक है, मन बना बाय देते हो, बाय। मुझे जाए टॉयलेट करने, वो उठते जाइए। अबे टॉयलेट को क्या करना है, रुके रहो। अच्छा रुके रहे पागल हो क्या, टॉयलेट नहीं क्यों रुकी जाती। अच्छा टॉयलेट नहीं रुकी जाती है, अरे तुम लोगों का तो रुकेगा भी नहीं ना, वहां पे छेद ही छेद होता है। अच्छा।